मैं इतनी थक गई हूँ, फिर भी मुझसे लोग खाना बनवा रहे। बताओ, कैमरा में बिल्कुल नहीं दिखेगी। देखो ना, देखो ना, ये रहा हमारा कढ़ाई पनीर भाई। बड़ा बात करेगा। आजा भाई। एक साल के बाद ये खुद बना करके सबको खिलाने वाले हैं मेरे घर में। हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो अभी सुबह उठ करके मैं पूजा वूजा कर ली हूँ और अभी पापा लेके आ गए हैं अंडा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अंडा करी की रेसिपी। तो उसके लिए मुझे जाना होगा छत पे, क्योंकि नीचे तो नॉनवेज बनता नहीं है। तो चलिए मेरे साथ छत पे, वहाँ जाकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे मैं अंडा करी बनाती हूँ। और मेरे लिए स्पेशल चिकन भी आया है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अपने स्टाइल में बनाने वाली हूँ मैं चिकन। और जब मैं चिकन बनाती हूँ तो मेरे घर में सबको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आता है। तो ऐसे भी बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा ऊपर चलते हैं। पहले नॉनवेज बने और ब्राउन ऊपर नॉनवेज खाने के लिए ना आए, ऐसा हो सकता? ये तो सारा प्रोसेस देखती है, पता है आप लोगों को। एक साल के बाद ये खुद बना करके सबको खिलाने वाले हैं मेरे घर में, है ना ब्राउन? छोड़ अपना फेस दिखाओ, फेस दिखाओ ना, फेस रिवील करूंगा। फेस दिखाओ, फेस दिखाओ। कैमरा में बिल्कुल नहीं दिखेगी। देखो ना, देखो ना, सब देख रहे हैं तुमको। हाय बोलो सबको। तो यहाँ पे पापा अंडा में छेद कर रहे हैं, ये करना बहुत जरूरी, नहीं तो बड़ा बात करेगा और आपका हाथ पैर चेहरा सब जल जाएगा। तो यहाँ पे है हमारा अंडा, यहाँ हो रहा है कढ़ाई गरम और तब तक पापा अंडा में छेद कर रहे हैं। हमारा कढ़ाई गर्म हो गया, अब हम लोग इसमें डालेंगे तेल अंडा फ्राई करने के लिए। थोड़ा और अभी ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम लोग अंडा फ्राई करेंगे। अब हम लोग इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। गाइस देखिए कितना प्यार से ब्राउन अपना मुंडी रखिए रखिए। अब हम लोग इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर 2 चम्मच। अब बारी है इसमें डालने की अंडा और करना है उसको फ्राई। तो गाइस यहाँ पे हमारा अंडा भी फ्राई हो गया है, पापा ने सारा अंडा को पहले ही फ्राई कर दिया है। अब बारी है आलू की, तो आलू को हम लोगों ने बॉईल कर लिया है, अब इसे फ्राई करने की बारी है। तो इसे पापा छोटा छोटा पीस में काटेंगे। और इसे भी हम लोग थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मतलब डीप फ्राई करना। देखिए गाइस ये सिंसियर बच्चा को कितना प्यार से खा रही है नॉनवेज। फ्राइड पोटैटो खा रही है ये। आलू और टोमेटो। टोमेटो खाओगी? पोटैटो। प्रणो पोटैटो की टोमेटो। तो गाइस हमारा सारा पोटैटो भी फ्राई हो गया है अंडा के साथ। यहाँ पे देखिए सारा फ्राई हो गया है और ये लड़की खा भी ली है फ्राई होते होते ही। तो अब हम लोग बनाएंगे इसमें ग्रेवी। तो तेल तो हमारा गर्म ऑलरेडी ही है, तो अब हम लोग इसमें डालेंगे फूरन, उसके ये क्या है तेज पत्ता। तो 2 तेज पत्ता डाला है हम लोगों ने। अब डाल दिए हैं जीरा। जीरा चटकने के बाद डालेंगे प्याज। प्याज अच्छा लहसुन, लहसुन के बाद प्याज। तो अब डाल दिया हम लोगों ने लहसुन, लवंग, अब बारी है प्याज डालने की। तो जा रहा है प्याज। आप
आपको जितना ग्रेवी रखना है उसके अकॉर्डिंग चार्ज ले लीजिएगा। प्याज को भी हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हम लोग दो तीन हरी मिर्च को भी तोड़ के डाल रहे हैं दो टुकड़ा में, और उसके बाद डला रहा है टमाटर जो इस मैडम का है फेवरेट। क्या आप टमाटर खाना चाहती हैं? टमाटर आलू और खीरा। क्या आप टमाटर खा लिया आपने टमाटर? तो बैठ जाइए, बैठ जाइए मोहतरमा, बैठिए। अब आपका टमाटर खाता हूँ। हम लोग इसमें दो टमाटर डालने वाले हैं। हम लोगों ने प्याज को डाल दिया, टमाटर भी डाल दिया, अब बारी है नमक की, क्योंकि टमाटर को गलने के लिए नमक सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो हम लोग नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार, और प्याज टमाटर को फ्राई करते रहेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पे हमारा प्याज और टमाटर गल गया, तो हम लोग डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। मेरा भाई उड़ा रहा है। हम लोग इसको भी फ्राई करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट इसमें अब हम लोग डालने वाले हैं जीजीजी पेस्ट, यानी जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग दो से तीन बड़े चम्मच लेंगे, मतलब जितना आपको तीखा रखना हो उसके अकॉर्डिंग। और इसको भी हम लोग प्याज के साथ अभी फ्राई करेंगे। इसमें डालने वाले हैं तीखा के लिए हम लोग रेड चिली पाउडर भी दो बड़ा चम्मच, एंड अभी सारे मसाले प्याज सबको अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारा मसाला फ्राई हो गया। अब हम लोग डालें इसमें चिकन मसाला, क्योंकि आप लोग को मालूम है हमारा बिना चिकन मसाला के कोई खाना ही नहीं बनता। इसे भी हम लोग मिक्स करके अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाला ऑलमोस्ट हम लोग का फ्राई हो ही चुका है। हम लोग इसमें डालेंगे पानी 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 पानी। तो जितना ग्रेवी रखना है उसके अकॉर्डिंग आप लोग पानी डाल लीजिएगा। और ये हम लोग ये मसाला यानी जो ग्रेवी है वो बॉईल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अंडा और आलू डालेंगे। हमारा अंडा करी रेडी हो गया है, देख सकते हैं कितना टेस्टी है। तो अभी हम लोग इसे गर्मा गर्म खाने वाले हैं। इसको खाली कर लें ताकि चिकन बनाना है। हाँ, बहुत ही इजी रेसिपी, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं और टेस्टी भी लगता है। ये है मेरा प्लेट, ये है चिकन करी एंड ये है अंडा करी, और उसके साथ मैं पराठा खा रही हूँ, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो अभी मैं इसे खाने जा रही हूँ, अभी इंजॉय करूँगी अपना मील, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लग गया, तो इंजॉय भी आराम से करने वाली हूँ। तो इसे खाकर फिर आप लोग से मिलते हैं। सो गाइस, कुछ पार्सल्स आए हैं, ये खरीदा गया है, और ये है मेरा पीआर पैकेज। तो इसको जल्दी से ओपन करके दिखाती हूँ कि क्या क्या मंगवाया है और क्या है इसमें। ये कट करके दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पे एड्रेस है मेरा।
ये मैंने मंगवाया था, मेरा फेवरेट ओट्स, क्योंकि आपकी तुक देखने आगे क्या मंगवाई है, क्योंकि मुझे इसका चीला बहुत पसंद है और ओट्स का था चीला, ओट का चीला, आई लव इट, तो उसके लिए ख़त्म हो गया था। तो ये मैं यूज़ करती हूँ सफोला कोट्स, सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है। और ये देखते हैं हमारा पीआर पैकेज, इसमें क्या आया है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि इसमें है क्या। आखिर क्या पता, ये लोग को पैकेजिंग इतना डिफिकल्ट रहता है ना खोलना कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। ऊपर से आते आते तो इसका कच्चुम निकल जाता बेचारा। लेकिन शुगर का पता नहीं, शुगर हुआ, शुगर पॉप हुआ, तो शुगर का भी जो भी सिस्टम ब्रांड्स है, क्विंच ब्रांड्स, वो सब का डिब्बा इतना बढ़िया से कैसे आ जाता है, भगवान जाने। इन लोग का तो हालत खस्ता हो जाता है कि नहीं। कुछ ये है दो होंगे, शिमर ऑयल न्यू लॉन्च उन लोग उसका आ गई, देख सकते हैं प्लम बॉडी लविंग का बॉडी शिमर और इन रोज गोल्ड एंड पीच ग्लो, ये काम आ जाएगा हम लोग को। मैं सर्च करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को भी आइडिया मिल जाए। और इसका सब कुछ वीडियोस मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी, इट्स अंडरस्कोर रश्मि अंडरस्कोर सिन्हा, तो वहाँ जाके देख सकते हैं कितना क्यूट पैकेजिंग है ना। आ जा भाई, एकदम टाइनी बिट निकालने गई, क्यों बर्बाद करूँ मैं। ये पिंक प्रिंट में पूरा चमकेगा, कितना अच्छा शाइन आ रहा है। नहीं इसमें रख देती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है। और ये है पीच ग्लो, न्यू पैकेजिंग होती है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है निकलने में। इस हाथ में ज़्यादा ही निकल गया गाइज, चमकी चमकी आज बन गया हम गाइज। ये सब अवार्ड फंक्शन में हीरोइन वगैरह सबका कैसे बॉडी चमकता है यही सब यूज़ करने से। एक ये कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पिंक वाला, आप पिंक जो आपको पसंद है, मैं दिखा दे रही हूँ दोनों, तो आप लोग वो खरीद सकते हैं। इसका प्राइस कितना है, 525, इट्स क्वाइट अफोर्डेबल गाइस, न्यू ही लॉन्च ही हुआ है, देखिए मैन्युफैक्चर्ड 8/2023। सो या जाके आप खरीद सकते हैं इसको। पर सब नॉनवेज खाना तो मैं बनाई हूँ ये पनीर चिल्ली, इसकी रेसिपी बहुत बार शेयर कर रखी है, तो जिस ब्लॉग में मैंने पनीर चिल्ली का रेसिपी शेयर किया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैं अब जा रही हूँ उसको खाने, दिखाती हूँ प्लेट। सो गाइज ये है मेरा खाने का प्लेट, तो मैं जा रही हूँ उसको चपट करने, बहुत ही टेस्टी बनाया मैंने पनीर चिल्ली। लालची तो तुम हो ही, लालची क्या, तुम नॉनवेज खा के बैठी हुई हो, हम जा रहे पहला मील खाने, तुम जा रही हो दूसरा मील खाने। तो गाइज मैं जा रही हूँ इसको खाना। गाइस हमारा किड खराब हो गया है, पापा बना रहे हैं और लाइट 4 घंटे से कटी हुई है। ईद ही बोला कि 1 घंटा बाद आएगा बिजली विभाग, हाय हाय। और ये पापा बना रहे हैं, तो हमारा प्यारा सा डॉगी जी, प्यारा बच्चा उनके बैठी हुई है। गाइस पानी खत्म हो गया, क्या ही बोले, वीडियो भी शूट करना है हमको। डॉगो ये डॉगो, तुम चिकन खा करके, सॉरी एग खा करके तुम मस्त सोई रहती है चिकली, ए चिकली
उठ जा गाइस, लाइट आए तो केंट सेट होए तो पानी पिए, पानी भी नहीं है, लाइन भी नहीं है, क्या ही करे आदमी, केंट भी नहीं है। सो गाइस, मैंने वीडियो शूट किया और ये बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप टर्न आउट हुआ, और मैंने आज बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं, सब मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा, तो वहाँ जाकर जरूर फॉलो कीजिए, its_rashmi_sinha, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी, तो जाकर जरूर चेक कीजिएगा और बताइएगा मुझे मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। आई लव इट, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा, और मैंने इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स लिए ना मेकअप के कि क्या ही बताओ। सो जल्दी ही अपलोड करूँगी, तो तब तक मतलब जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक वहाँ पर अपलोड हो चुका होगा, तो जाके जरूर चेक कीजिएगा। और मैं इतनी थक गई हूँ फिर भी मुझसे लोग खाना बनवा रहे, बताओ, मैं भी बना रही हूँ कढ़ाई पनीर, तो चलिए किचन में दिखाते हैं कि इतनी सुंदर लग रही है ना कि क्या ही बोलूँ, चलिए दिखाते हैं किचन में। ये रहा हमारा कढ़ाई पनीर, इतना यम्मी लग रहा है। गाइज, ये है मेरा प्लेट, एकदम मसालेदार बनाई हूँ मैं, और ये जो टुकड़ा दिख रहा है वो सुंदर को दी, इसलिए सो आई एम गोइंग टू हैव दिस। तो मैं जाती हूँ, इसको जल्दी से ख़त्म करती हूँ डिनर अपना, और सोऊंगी उसके बाद, नहीं सोऊंगी उसके पहले ही मेकअप हटाऊंगी और फिर चेंज वेंज करूँगी, उसके बाद आई विल स्लीप। और मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, तो यार सोना ही नेक्स्ट ऑप्शन है, और बहुत ही अच्छे एक पूजा व्लॉग आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।